हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि हम अपने जीडीएस एंड एरियाज एंड्रॉइड के अंदर फ्रंट की तरफ अपना जो लोडिंग स्क्रीन है वो चेंज कर दे। आपको पता होगा मैंने एक वीडियो डाली थी अभी कुछ टाइम पहले, आपको पता होगा उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि आप अपने जीटी सैन एंड्रियास के अंदर जीटी सैन एंड्रियास रिमास्टर्ड का जो लोडिंग स्क्रीन मेन्यू है वो कैसे लगा सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है ना, इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ मैं GTA 6 का लोडिंग स्क्रीन मोड पैक। ठीक है, बेसिकली इस लोडिंग स्क्रीन मोड पैक में आपको फ्रंट में GTA 6 के इमेजेस देखने मिलेंगे और उसकी कुछ कार्स देखने मिलेगी जो कि आपकी गेम को इतना ज़्यादा एक्साइटेड बना देगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, आज की वीडियो पूरी कंप्लीट देखते रहिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ GTA सैन एंड्रियास के लिए GTA 6 का लोडिंग स्क्रीन का मॉड पैक, और वो भी बहुत ही छोटा सा, यानी कि बहुत कम उसका साइज होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो मोड अवेलेबल है। ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ, किस तरीके से मोड को डाउनलोड करना है वो आपको पता लग जाएगा, और मोड का जो साइज होगा बहुत ही कम होगा, कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, एंड मे बी इसका जो साइज होगा वो 15 MB रहेगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 15 MB के अराउंड इसका साइज रहेगा और कोई भी जो है बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, एंड एक और बात यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज डालता हूँ और जितनी होती है मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, एंड मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ। आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर करो, सब्सक्राइब और करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कर देना। ठीक है, आप अपना काम, ये छोटा सा काम होगा वो जरूर कर देना बिफोर इंस्टॉलिंग मोड्स। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आपको मैं जब भी नया मोड अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो आप भी जो है नए मोड का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हो। ठीक है, सो गाइस मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एंड लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको जो है इंस्टॉल करना है इस मोड को, बहुत इजी प्रोसेस होगा, सो लेट्स गो। सो गाइस, आपको यहाँ पे आ जाना है ZRT सर्वर के अंदर। फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, GTA 6 इसका नाम होगा, GTA 6 मेन्यू बाय सेफ्रॉन, एंड यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा और आपको एक फाइल मिलेगी रीड इंपोर्टेंट करके। ये एक टेक्स्ट फाइल होगी जिसमें मैंने अपने चैनल के बारे में लिखा हुआ है और बेसिक इंस्टॉलेशन जो आपको वीडियो में दिखाया है वो भी आपको इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सो कुछ करना नहीं है आपको, आपको जो फोल्डर दिख रहा है ना कॉमडोर रॉकस्टार गेम्स जो GTA वाला, इसको सिंपल से यहाँ पे कॉपी या कर जो करना हो कर लो। मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। ठीक है, कट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एंड्रॉयड डाटा, एंड डाटा के अंदर आते ही बस यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। ठीक है, सिंपल से पेस्ट कर दो। अगर आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन आता है तो आप रिप्लेस भी कर देना, और अगर आप अपने मोड के ऊपर रिप्लेस करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन अगर आप अपना गेम ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो मेन्यू है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ऊपर देखो आप अभी जो कार देख रहे हो और बैकग्राउंड के अंदर जो बेसिकली ग्राफिक्स देख रहे हो सब पूरा का पूरा GTA 6 लग रहा है। ठीक है, अभी आप इस इमेजेस में नोट करोगे तो यहाँ पे आपको स्काई बॉक्स से पूरा का पूरा GTA 6 देखने मिल रहा है, क्योंकि GTA 5 में भी ऐसे स्काई बॉक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, तो अब यहाँ पे इस बैकग्राउंड की डिटेलिंग देखो, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग GTA 5 में भी नहीं है जो आपको GTA 6 में आपको या इमेज देखने को मिल रही है। ठीक है, GTA 6 अभी लॉन्च नहीं हुआ है और ना ही कुछ डिसाइड हुआ है कि किस तरह का गेम होगा, लेकिन हाँ इस इमेज को देख के लगता है कि भाई GTA 6 कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यार ऑडियो सेटिंग्स में, ग्राफिक सेटिंग्स में भी आपको जो बेसिकली फ्रंट मेन्यू है पूरा चेंज्ड मिलेगा। सो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ होगी गेम को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड बना देगी और सभी लोगों को ये जो मोड है बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो आई होप कि आप डाउनलोड करोगे एंड एंजॉय करोगे, एंड मैं रिकमेंड भी करता हूँ इसको अपने अपने मोड के अंदर ज़रूर ऐड करो, क्योंकि अगर आप इसको अपने मोड के अंदर ऐड करते हो तो आपका जो मोड होगा वो बेसिकली एक नंबर वन मोड बनने वाला है, क्योंकि मेन्यू के मोड के अंदर आपको मेन्यू मिल जाएगा एंड आपका मोड के अंदर और तो चीज़ें होगी। सो बेसिकली इससे जो गेम का जो बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा उठा सकते हो, पूरे मज़े आप गेम के ले सकते हो। ठीक है, एंड अब बेसिकली आपने डाउनलोड तो कर लिया, अब आपको एक छोटी चीज़ और करनी है। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगेन मैं बता रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू ऑल्सो, कॉज
इससे बेसिकली होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाता है, और मेरा बेनिफिट ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए, एंड मुझे लगता है कि लाइक लाइफ टाइम तक मुझे इसी तरीके की वीडियोज़ जो है कंटिन्यू करनी चाहिए ऑन माई चैनल, ठीक है। सो ये जो सजेशन होते हैं बेसिकली मुझे लाइक जो भी रिकमेंडेशन होती है आप भी मुझे दे सकते हो, कमेंट सबके लिए ओपन है, ठीक है। अगर कोई बंदे को कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हो विद इन अ 2 आवर्स में, आपको विद इन अ 2 आवर्स, ठीक है, विद इन अ 2 आवर्स में आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। एंड एक छोटी छोटी प्रॉब्लम का भी मैं जो रिप्लाई हमें दे देता हूँ, सभी कमेंट का रिप्लाई मैं दे देता हूँ, ठीक है। अगर जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा मैं सभी के जो रिप्लाई है ऑलमोस्ट सभी के कर देता हूँ, ठीक है। एक कमेंट भी मुश्किल से नहीं रहता है, मुश्किल से भी मान सकते हो एक कमेंट का भी रह जाता है लाइक लाइव स्ट्रीमिंग पे, बट ऐसे कभी भी किसी का कमेंट मिस नहीं होता। तो आप मुझे लाइक कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में कर सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई क्वेरी करना चाहते हो, कोई भी चीज़ लाइक आप करना चाहते हो कमेंट में आप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये मोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड आप डाउनलोड ज़रूर करोगे। सो गाइस फिलहाल आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।